हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बच्चन पांडे फिल्म को लेकर फैंस के मन में एक अलग ही उत्साह था। वहीं फिल्म होली के मौके पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री की। वैसे तो फिल्म मेकर ने फिल्म का ऑक्यूपेंसी रेट 40% माना था, यानी कि 10 करोड़ की ओपनिंग, लेकिन ये तो उनकी उम्मीद से ज्यादा आगे निकल गई। बता दें कि फिल्म ने पहले दिन 13 करोड़ 25 लाख की कमाई की। कलेक्शन को देख फैंस अक्षय को लेकर क्रेज साफ दिखाई दे रहा है। वहीं अब सभी की निगाहें दूसरे दिन के कलेक्शन पर टिकी थी। बता दें कि फिल्म बच्चन पांडे के दूसरे दिन की कमाई तकरीबन 11 करोड़ रही है। वहीं फिल्म का टोटल कमाई अब तक का होता है 24.24। फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म जल्द ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कृति सैनन, जैकलिन फर्नांडिस, अर्शद वारसी और पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने एक्शन और कॉमेडी का जोरदार तड़का लगाया है। बच्चन पांडे के साथ ही विवेक अग्निहोत्री की फिल्म दी कश्मीर फाइल्स बहुत कड़ी टक्कर दे रही है। फिल्म पिछले एक हफ्ते से जबरदस्त कमाई कर रही है। दी कश्मीर फाइल को बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है और देखा जाए तो ये टक्कर बहुत लंबा चलने वाला है, लगभग एक हफ्ता। वेल, बात करें बच्चन पांडे की तो फिल्म देखा जाए ओवरऑल दोस्तों तो फिल्म एंटरटेनिंग है। वेल, अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो आउट ऑफ 5 इस फिल्म में एक्शन को दिया जाता है 3.5 स्टार, कॉमेडी को दिया जाता है 3 स्टार, एक्शन और डायलॉग्स 2.5, इमोशंस 3 स्टार, डायरेक्शन 3.5, बैकग्राउंड म्यूजिक 4 स्टार, फिल्म के सॉन्ग्स 2.5 स्टार। वेल, आपको कैसी लगी मूवी? आप कितने स्टार देते हैं इस फिल्म को? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।